हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 5, इंडिया सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। ओके, सो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रामकृष्ण मिशन तक का पढ़ लिया था। सो अब हम लोग ये लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, 5.4 कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। ओके, एंड इट विल बी आर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर गाइज, सो ध्यान दो। सो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान का बर्थ कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में, कब, 1817 को। और वो उर्दू, पर्शियन, अरेबिक एंड इंग्लिश में फ्लुएंट थे। और उन्होंने एक बुक एडिट की थी, उस बुक का नाम क्या था, एनी अकबरी। मतलब ये किस चीज़ पे बेस्ड थी पता, अकबर का, एम्परर अकबर। ओके, सो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरी बुक थी ये। और इसको लिखा किसने था, अबू अल फजल ने। ओके, यहाँ पर देखो उसका नाम दिया गया राइटर का, अबू अल फजल ने लिखा था इससे। लेकिन बाद में इसको एडिट किसने कर दिया था, सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद अहमद खान ने एक साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाई थी मुस्लिम्स के लिए। और इस सोसाइटी के मेम्बर्स कौन थे, देखो जो भी इस सोसाइटी के मेंबर्स थे वो स्कॉलर्स थे, हिस्ट्री में वो स्कॉलर थे, ठीक है, साइंस में वो स्कॉलर थे। एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब होता है कि पॉलिटिक्स में जो इकोनॉमिक होता है उस पर बेस पूरे सिस्टम जो होता है। ओके, सो उसके भी स्कॉलर्स थे वो लोग। और सर सैयद अहमद खान ने 1869 में इंग्लैंड गए थे वो। और जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो उन्होंने एक चीज़ इस्टेब्लिश की थी, क्या थे वो, कॉलेज। उस कॉलेज का नाम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। ओके, और यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज 1875 में क्या बन गया, यानी कि इसका नाम रिप्लेस कर दिया गया था किससे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ओके, और उन्होंने एक पीरियोडिकल स्टार्ट किया था। देखो पीरियोडिकल मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि भूल ही गए होगे। सो पीरियोडिकल मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर। तो सर सैयद अहमद खान ने एक न्यूज़पेपर भी बनाया था खुद का, जिसका टाइटल क्या था, जिसका नाम क्या था, मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर। ओके, एंड ही वर्क फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और देखो सबकी तरह उन्होंने भी किस चीज़ पर फोकस किया कि ये प्रोपोगेट करना, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन है उसको और आगे लेकर जाना, उसको और स्प्रेड करना है, और मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ओके, ओके नाउ ताराबाई शिंदे। सो ताराबाई शिंदे का बर्थ कब हुआ था, 1839 में। और उन्होंने एक ऐसे लिखा था जहाँ पर उन्होंने ये कंपेयर करके बताया कि हमारी सोसाइटी में कितना डिफरेंसेस देखा जाता है। मतलब हर चीज़ को बांट दी गई है, हर चीज़ को डिवाइड कर दिया गया है कि ये औरत के काम है, ये आदमियों के काम है। और औरत के काम क्या है, यहाँ क्या काम है औरतों के, कि औरत अपने घर पे रहेगी, अपने परिवार का ध्यान रखेगी, अपने बच्चों का ध्यान रखेगी, बस यही करेगी। लेकिन आदमी क्या करेंगे, हर चीज़ में टॉप प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, आदमियों को। आदमी पूरे फैमिली के हेड रहेंगे, जो आदमी बोलेगा वही सब औरतों को, बच्चों को फॉलो करना है। ओके, अगर खाना कम है तो कौन खाएगा, आदमी खाएंगे, लेकिन औरत क्या रहेगी, भूखे रह सकती है। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना, अपने घर परिवार को संभालना, सबसे पहले क्या करना, अपने फैमिली का अच्छा देखना है। मतलब हर चीज़ को सेक्रीफाइस करना है औरतों को, क्यों, क्योंकि वो एक अच्छी माँ है, अच्छी बहन है, इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबकी इंडिविजुअल लाइफ है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में देखो ऐसा बोला जाता है कि माँ है, लेकिन देखो माँ का भी है कि हाँ ठीक है, माँ की ममता होती है वो, लेकिन उनकी भी एक इंडिविजुअल लाइफ है। कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। आपकी मॉम भी अगर वो आपकी वजह से कुछ करे कि चल बेटा तेरा ये स्कूल है इस टाइम पे, और आपकी मॉम को डांस पसंद है तो मैं जाने दे छोड़, तो आप उनको बोलो कि नहीं मम्मा आप दूसरे टाइम पे देख लो, आप अपना भी ड्रीम्स पूरे करो। सो कोई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, सबको खुश रहने का अधिकार, जिसको जो पसंद है करने दो। और आप भी अपनी फैमिली में अगर आपकी बहन या आपके मॉम ऐसे कुछ सेक्रीफाइस करते कि चलो जाने दो मेरा बेटा चला जाए, मेरा भाई चला जाए और मैं तो मैनेज कर लूँगी, तो उनको बोला आपकी नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने ड्रीम्स, आपके जो पैशन है उसको फॉलो करो। ओके, सो उन्होंने ये बताया ताराबाई शिंदे ने कि बहुत से डिफरेंसेस देखे जाते हैं आदमियों में और औरतों में हमारी सोसाइटी में। और उनके ऐसे में उन्होंने मतलब बहुत ही क्लियरली, देखो अपफ्रंट मैनर होता है कि बहुत ही क्लियरली, वो ऐसा नहीं सोचे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या होगा मेरे साथ, या फिर इसका कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं। उन्होंने बहुत ही अपफ्रंट मैनर, यानी कि एकदम क्लियरली बोला कि हमको ये राइट्स चाहिए तो चाहिए, वुमेन्स को भी राइट मिलना चाहिए जितना मैन को राइट है। ओके, शी डिड नॉट स्टॉप एट डिस्कसिंग अबाउट रिफॉर्मर्स लाइक विडो, रीमैरिज। देखो ये रीमैरिज वगैरह और एजुकेशन मिलना चाहिए वुमेन्स को, ये सब तो सभी कर रहे थे, लेकिन इसी के साथ साथ ताराबाई शिंदे ने बहुत ही कुछ किया था। देखो अभी हम लोग पढ़ते हैं, देखो ताराबाई शिंदे ने विडो मैरिज पे तो बात की ही थी कि हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का। अगर कोई विडो है और उनके हस्बैंड नहीं अब, तो वो चाहती है कि मुझे पार्टनर चाहिए, तो क्यों नहीं होनी चाहिए शादी, शादी होनी चाहिए विडो की भी। तो विडो रीमैरिज, वुमन्स एजुकेशन, ठीक है, जितना लड़का पढ़ेगा उतना लड़की पढ़ सकती है, उसे पढ़ाना है। ओके,
अबोलिशन ऑफ सती सती प्रैक्टिस अब कोई फॉलो नहीं करेगा, बट प्रोसीडेड टू डिमांड जेंडर इक्वलिटी। इसी के साथ साथ उन्होंने यही नहीं कहा कि औरतों को भी थोड़ा बहुत मिल जाए, नहीं, जितना आदमियों को मिलता है उतना इक्वली औरतों को भी मिलना चाहिए। कंसिडरिंग द फर्स्ट फ्रॉम ऑफर एस इट वॉज इंडीड वेरी ब्रेव स्टेप, यस वेरी ब्रेव स्टेप। देखो अगर हमारी सोसाइटी में कोई पेट्रियार्कल सिस्टम, जहाँ पर हमारा सोसाइटी में है, ओके पेट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है, देखो जहाँ पर फादर या फिर दादाजी या जो भी मेल होते हैं अपने घर के, वो क्या होते हैं, पूरी फैमिली के हेड होते हैं, वो जो बोलते सबको वही करना होता है, वो जो चाहेंगे वही पढ़ेंगे, सब लोग वही करेंगे, वो ना बोल दिए तो उसके आगे कोई नहीं जाता, ठीक है। ये क्या होता है, पैट्रियार्कल सिस्टम, मतलब वो लोग चाहते हैं कि औरतें क्या करें, अपने घर में रहे, अपने घर का ध्यान रखे बस, और पढ़ने का, हर जगह जाने का, हर चीज़ करने का किसको अधिकार है, आदमियों को, बस औरत का क्या काम है, वो अपने घर में रहे। तो ऐसी जो फैमिलीज होती है जहाँ पर आज भी ऐसे रूल्स फॉलो होते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम के, तो वहाँ पर देखो उनकी बेटी को वो बोलते हैं कि तू बस कर दे अब मत पढ़, लेकिन उनकी बेटी कैसे ना कैसे वो पढ़ लेती है, या कुछ उनकी बेटी, समझो समझो जस्ट इमेजिन दैट, कि अगर उनकी बेटी कोई ऐसी फैमिली जो अपनी बेटियों को पढ़ाते भी नहीं है, मतलब उनकी सोच की वजह से, क्या कर सकते हैं अब हम, आज भी बहुत से लोग हैं हमारे देश में ऐसे। सो उनकी बेटी में से कोई ऐसी है जिसको पैशन है कि मुझे डांस पसंद है और वो डांस अपना करियर एज अ देखे, तो और वो अपना घर परिवार छोड़ के चले जाए अपने डांस अपने पैशन फॉलो करने, तो उसे कितना कुछ कहा जाता है कि इसने अपनी फैमिली की इज्जत नहीं रखी, इसने अपने पापा की बात नहीं मानी, इसने तो नाम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब वो बस अपने घर के भी बाहर थोड़ा सा अपोज चले जाए तो क्या हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ताराबाई शिंदे तो क्या कर रहे थे, वो पूरे देश में पूरा हर जगह क्या पैट्रियार्कल ही चल रहा है, हर जगह मेल डोमिनेंस है, और उधर पर वो क्या बोल रही है कि नहीं हमको इक्वलिटी चाहिए। वो फर्स्ट वुमेन थी, सोचो पूरा देश आदमियों की डोमिनेंस से भरा पड़ा है, और ताराबाई शिंदे बोल रही है कि मुझे क्या चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, मैं हर औरत को इक्वलिटी दिला के रहूंगी, तो सोचो उनको कितना फेस करना पड़ा होगा। सो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू चैलेंज द पेट्रियार्कल सिस्टम। मैंने आप लोगों को पेट्रियार्कल सिस्टम भी बता दिया है मीनिंग कि क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, मेल डोमिनेंस होता है, ठीक है, आदमी ही घर का हेड होता है, दादाजी पापा या कोई भी बड़ा भैया वो, और जो वो बोलेंगे पूरी औरतों को पूरे बच्चों को वही फॉलो करना होता है। और ताराबाई शिंदे फर्स्ट वुमेन थे जिन्होंने पेट्रियार्कल सिस्टम को चैलेंज किया था। शी ओपिनियन दैट रिलीजियस सिस्टम सप्रेस वुमेन बिकॉज रिलीजन इज क्रिएटेड बाय मैन, और उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ओपिनियन यानी कि एक्सप्रेस किया कि जो भी रिलीजन होता है, देखो जो भी रिलीजन है तो आप उसकी डीप में जाओ तो वो कहीं ना कहीं एक आदमी से ही शुरू किया गया है, तो उनका ऐसा मानना था कि हर रिलीजन को किसने बनाया, आदमी ने बनाया, इसीलिए रिलीजियस जो प्रैक्टिस है वो आदमियों को फेवर करते हैं और औरतों को सप्रेस करते हैं, सप्रेस यानी कि औरतों को दबाने की कोशिश करते हैं और आदमियों को फेवर करती है, क्योंकि रिलीजन किसने बनाया, आदमियों ने बनाया। महात्मा फुले जस्टिफाई हर थॉट्स बाय गिविंग रेजोल्यूट आंसर टू हर क्रिटिक्स। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दिया कि कोई लड़की अपने घर के बाहर भी कुछ जाकर कर दे, उनकी फैमिली के अपोज जाकर, तो उसको कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कि इसने ऐसा किया, इसने अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं रखी, इसने ये किया वो किया। तो ताराबाई शिंदे तो यानी पूरे देश में ऐसा बोल रही है एकदम अपफ्रंट मैनर में, एकदम ब्रेवली कि मुझे इक्वलिटी चाहिए, मैं हर औरत को इक्वलिटी दिला के रहूंगी, तो उनको कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। लेकिन उनको महात्मा फुले ने डिफेंड किया था। ओके सो महाश्री विट्ठल रामजी, तो इन्होंने मराठी मीडियम स्कूल खोली थी, और इसी के साथ साथ इन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल खोली थी परेल में, एंड दियोनर इन मुंबई। देखो दियोनर मुंबई में स्लम है, ठीक है, मुंबई का सबब है दियोनर, और अंडर द अम्ब्रेल ऑफ डिप्रेस क्लास मिशन दैट वॉज एस्टेब्लिश बाय हिम। देखो डिप्रेस क्लास मिशन यानी कि लोअर कास्ट पीपल के डेवलपमेंट के लिए ये मिशन हुआ था, ओके इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था, और इसी के पार्ट बनकर उन्होंने ये सारी जो स्कूल थी, मराठी स्कूल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल खोली थी। ओके सो ही वर्क टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इश्यूइंग अफेक्टिंग द डिप्रेस क्लासेस लाइक एंट्री इन टेम्पल। देखो इनका ये काम था कि क्या करना है मुझे, इन्होंने मतलब ऐसा अपना माइंड सेट कर लिया था कि समाज को बताना पड़ेगा कि जो लोअर कास्ट के साथ हो रहा है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन लोग मानते थे, क्या करें अब। सो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी लोअर कास्ट के लोगों के साथ, इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा था, हम लोग सोच भी नहीं सकते। देखो इनके बाद, ठीक है, विट्ठल रामजी शिंदे के बाद हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया गया है,
कि उन्होंने क्या क्या काम किया था, मैं आपको उसी में बायोग्राफी बता दूंगी, छोटा सा इन शॉर्ट बायोग्राफी बता दूंगी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। आप लोग उससे समझ जाओगे कि कितना कुछ फेस किया है लोअर कास्ट के लोगों ने, उनको कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। मतलब जानवर को भी हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, इतनी बुरी नज़र से उनको देखा जाता था कि ये लोग तो एकदम इम्प्योर है और उनको कहीं पे आना अलाउ नहीं, बल्कि अगर किसी को प्यास लगी है वो मर भी रहा, अगर वो कहीं से पानी पी ले तो उसे और पीटा जाता था कि तूने छुआ कैसे इसको, अब हम लोग इससे पानी नहीं पी सकते कुआं से, ऐसे ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। तो रामजी सॉरी महाश्री विट्ठल रामजी शिंदे ने इस चीज़ पर वर्क किया था कि हमको क्या करना है, सबको टेम्पल में एंट्री दिलवाना है, हर कोई टेम्पल में जा सकता है। एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस एंड ज्वाइन इलेक्टोरेट सिस्टम ऑफ डिप्रेस क्लासेस। तो देखो अब क्या होगा, ज्वाइन इलेक्टोरेट सिस्टम होगा, यानी कि हर कोई वोट कर सकता है, ठीक है। अब कास्ट वास्ट कुछ नहीं देखा जाएगा, हर कोई वोट करेगा एंड देन वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा, ओके। सो ये सब किसके काम थे, महाश्री विट्ठल रामजी शिंदे के, कि मंदिर में हर कोई जाना चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस एंड इलेक्टोरेट सिस्टम, ओके। सो अब हमारे पर्सनल फेवरेट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है डिटरमाइंड टू वर्क फॉर क्रिएटिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो डॉक्टर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे वो जिसमें क्या हो, फ्रीडम हो, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, सबको अधिकार है, जैसे जीना है वो वैसे जिएगा, हर कोई एक समान है और क्या है, आपस में भाईचारा है, ठीक है, फ्रेटर्निटी है। ही बिगेन अ मूवमेंट फॉर फाइटिंग द कास्ट सिस्टम एंड ब्रिंगिंग इक्वेलिटी, ठीक है, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था जिससे क्या हो, सोसाइटी में इक्वेलिटी आ जाए। ही गेव अ मैसेज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ बहिष्कृत हितकरणी सभा, एजुकेट योर सेल्फ, गेट यूनाइटेड एंड फाइट। देखो कितना यू नो स्ट्रांग लग रहा है ना, एजुकेट योर सेल्फ, गेट मोटिवेटेड एंड फाइट, ओके। तो ये मैसेज दिया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, एजुकेट योर सेल्फ, गेट यूनाइटेड एंड फाइट। दिस मूवमेंट लेड टू द सत्याग्रह ऑफ चवादर टैंक एट महाट। तो देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किए थे, 20 मार्च 1927 को, देखो याद रखो 20 मार्च 1927 को महाड़ में एक टैंक था, पब्लिक टैंक था, जो दलित्स को छूना अलाउ नहीं था। क्या बोलते थे वो लोग कि अगर इन लोगों ने छू लिया तो ये तो इम्प्योर हो जाएगा, फिर ये इससे अपर क्लास के लोग कैसे पानी पिएंगे, क्योंकि इम्प्योर चीज़ को तो अपर क्लास छूएंगे नहीं। सो ऐसे वो लोग बोलते थे, इसीलिए दलित्स को छूना अलाउ नहीं था, अगर वो छू भी ले तो उसको इतना मारते थे कि वो बेचारा मारते मारते उसको जान से ही मार देते थे। लेकिन 1927 में 20 मार्च को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाड़ में लेकर गए सबको और वहाँ पर उनको बोला कि सब लोग इसमें से पानी पियो, जिसे इसको छूना है वो छू सकता है, और जो भी दलित थे सारे ने उसमें से पानी पिया और उसको टच किया, और यही मूवमेंट को क्या क्या कहा जाता है, चवादर टैंक, ओके। सो He asserted that the public water bodies should be open to all. तो उन्होंने ऐसा कहा कि देखो public water bodies यानी कि जो भी lakes होते हैं, ponds होते हैं या फिर tanks होते हैं जो government बनाती है public की सुविधा के लिए, ये सबके लिए खुले होना चाहिए, okay? He burned मनुस्मृति the book that was source of social inequality in India. तो उन्होंने मनुस्मृति जला दी थी क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यही सोर्स है, यही पढ़कर क्या हो रहा है इंडिया में, और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ते ही जा रहा है, और इसी में ही लिखा था कि क्या है, ये लोग छोटे हैं, ये लोग बड़े हैं, ये दलित से, ये ब्राह्मण से, इनमें बहुत डिफरेंसेस है, ये सारी बात इसमें ही लिखी थी, इसीलिए क्या किया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, इसको ही जला दिया, ओके। सो इन 1930 ही लॉन्च सत्याग्रह। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सत्याग्रह मतलब क्या होता है, देखो कोई भी इविल प्रैक्टिस होती है ना उसको एंड करते हैं, ठीक है, कैसे, नॉन वायलेंस का वे चुन के, ठीक है, अहिंसा का रास्ता चुन के उसे खत्म करना, जो भी इविल प्रैक्टिस होती है उसको अहिंसा का रास्ता चुन के खत्म करना, ठीक है। सो सत्याग्रह टू ओपन द काला राम टेम्पल इन नासिक फॉर ऑल। तो उन्होंने उसके बाद क्या कि काला राम टेम्पल जो है वो भी सबके लिए खुलाने था, उनको ये काम किया, इस चीज़ पर वर्क किया उन्होंने। कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड हेडेड दिस सत्याग्रह। तो इस सत्याग्रह को लीड किसने किया था, कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ ने, ओके। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंट मीडिया। तो देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रिंट मीडिया की इम्पोर्टेंस पता थी, प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह, ओके। सो फॉर हिम इट वॉज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड टू बिल्ड अ मूवमेंट फॉर सोशल इक्वेलिटी। तो देखो न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, ये सारी चीज़ें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए बेस्ट सोर्स था कि इसका यूज करके क्या कर सके वो, पूरे वर्ल्ड में सोशल इक्वेलिटी ला दे, ओके। He began to publish his own newspaper, और उन्होंने क्या किया, अपना newspaper शुरू कर दिया, उसका नाम क्या था, मूकनायक, बहिष्कृति भारत, जनता एंड समाता, ठीक है, ये सारे newspaper थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के, इन्होंने खुद को बनाया था इसे, ओके। He formed, ठीक है,
इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, उन्होंने बाद में क्या किया, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी भी बनाया। क्यों? ताकि क्या हो सके, वर्किंग क्लास का स्टैंडर्ड और अच्छा हो सके, उनका फ्यूचर और अच्छा हो सके। लेटर ही फॉर्म शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। देखो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी कि जो भी दलित थे उनके राइट के लिए था ये, ओके। टू कंटिन्यू द वर्क ऑफ शेपिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ठीक है। सोसाइटी को किस शेप में ढालना था, इक्वालिटी के, ठीक है, हर कोई एक समान। देखो ऐसे ही नहीं होता, सिर्फ कास्ट से इक्वालिटी नहीं होती। आज हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं कि जो हमसे छोटा है उसको हमसे कम नॉलेज है, जो बड़ा है उसको ज़्यादा नॉलेज है, तो ये भी एक तरह की इनइक्वालिटी है। मतलब सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है गाइस, ऐसा नहीं होता कि एज से या फिर उम्र से। कोई कोई देखो 20 साल की उम्र में भी गधा होता है, कोई कोई 14-15 साल की उम्र में भी बहुत सही होता है, ओके। सो ये भी इनइक्वालिटी हर चीज़ में। देखो ये सब तो पहले की बात थी, आप अभी हमारी सोसाइटी में देखो कि क्या चीज़ इनइक्वालिटी हो रही है, कहाँ पे इनइक्वालिटी, और उसको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। ये मानना कि ये गर्ल्स का कलर है, ये तो गर्ल्स करते, ये तो बॉयज करते, अरे रोते तो लड़के हैं, ये बहुत लड़की जैसे है यार हर बात में, तो ये सब क्या है, इनइक्वालिटी ही है, ओके, ठीक है। बस देखो अभी हमारा टाइम दूसरा है, हमारा ये जनरेशन दूसरी है, तो हर चीज़ चेंज होती है, और अभी हमारे टाइम पे इनइक्वालिटी यही सारी चीज़ें हो रही जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल्स बताए, ओके। सो इन 1956 अलॉन्ग विथ हिज न्यूमेरस फॉलोवर्स ही गॉट इनिशिएटेड टू बुद्धिनिज्म। तो देखो उनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे, ओके, और उन्होंने क्या किया था, बुद्धिनिज्म को बहुत ही इनिशिएट यानी कि बहुत ही उसमें फैसिलिटीज ला दी थी बुद्धिस्ट के लिए। अमंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सबसे बड़ा महान काम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाना, ओके। सो मैंने क्या बोला था आप लोगों को जब हम रामजी शिंदे का पढ़ रहे थे, कि मैं इन शॉर्ट आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बायोग्राफी बताऊंगी, ओके। देखो ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और APJ अब्दुल कलाम एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये तीन पर्सनैलिटी के बारे में हर किसी को पता होना ही चाहिए, ओके। सो देखो क्या हुआ था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुत लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, वो दलित थे, ठीक है, और लेकिन लकीली उनके जो पिताजी थे वो सैनिक थे, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में वो सैनिक थे, और उनके पिताजी बहुत अच्छा काम करते थे, इसीलिए उनको क्या बना दिया गया था, ऑफिसर बना दिया गया था, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश सैनिक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पिताजी क्या है, सैनिक है, और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को चांस मिल पाया कि वो पढ़ सके। देखो वो तो दलित थे, उनको कुएं से पानी निकाल कर पीना अलाउ नहीं, तो क्या उनको पढ़ना अलाउ होगा उस टाइम पे, नहीं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देखते थे कि उनके आस पड़ोस के सारे हिंदू बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे थे, उनको बहुत इच्छा थी कि मुझे भी पढ़ना, और उन्होंने कैसे कैसे अपने फादर से जिद किया कि मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। एंड देन उनके फादर ने बहुत यू नो कोशिश की और ब्रिटिश ऑफिसर से बात किया कि देखो मैं तो यहाँ पे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दिया तुम्हारे साथ, तो अगर मेरे बच्चे इतना मेरे सेक्रीफाइसेस के बाद भी पढ़ ना सके तो ये तो मेरे साथ बहुत नाइंसाफी होगी, प्लीज़ मेरे बच्चों को पढ़ा दो। उन्होंने जब इतना कुछ रिक्वेस्ट किया तब जाके कैसे ना कैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को चांस मिला कि वो पढ़ सके, स्कूल जा सके। लेकिन ऐसा भी नहीं होता था कि बाबा साहेब अम्बेडकर को अब परमिशन मिल गई है, वो बस बहुत अच्छे से जाएंगे, एजुकेशन लेंगे, नहीं। क्लास के बाहर बिठाया जाता है, दलित बच्चों को एक कोना दिया जाता है, और उनको अगर प्यास लगी है गाइज, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो जा रहे हैं खुद से पानी पी ले रहे। ऐसा होता था कि चपरासी जो होता है स्कूल का, ओके, तो वो अगर आता था जिस दिन तो वो ऐसे दूर से ऐसे पानी फेंकता था, और ये सारे बेचारे बच्चे, जब देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो बहुत छोटे थे, एक मासूम बच्चे पे क्या बीतती होगी, तो वो सारे क्या करते थे, अपने हाथ से पानी इकट्ठा करते थे एंड देन उसे पी लेते थे। लेकिन जिस दिन चपरासी नहीं आता था क्या होता था, उस दिन उन लोगों को प्यासा ही रहना पड़ता था और प्यासा ही वापस चले जाना पड़ता था, ओके। टीचर्स भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे, अगर वो लोगों ने मटका से पानी पी लिया, उन लोगों ने ग्लास से पानी पी लिया तो उनको मारा जाता था। एक बार ऐसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर को प्यास लगी थी और वो स्कूल से जाते टाइम पानी पी लिया उन्होंने, किससे, कुएं से, और उनको कुछ ब्राह्मणों ने देख लिया और उन्होंने उनको इतना मारा ब्राह्मणों ने, वो इतने छोटे थे फिर भी, लेकिन उनको इस शर्त पे छोड़ दिया गया कि वो अब दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और उसके बाद एक और सीन है, मुझे कुछ याद आ रहा है, लाइक वो एक बार बार्बर के पास गए थे, ठीक है, नाई के पास गए थे और उन्होंने बोला कि मतलब मुझे बाल कटाना है, तो नाई ने इतने यू नो डिसरिस्पेक्टफुली इतने छोटे बच्चों को उसने बोला कि ए अछूत चले जा यहाँ से, और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे। एक बच्चे की निगाह से देखो यार, एक बच्चा समझ कर बनकर देखो, अभी हम लोग देखो 18-19 ईयर्स के हैं तो भी ऐसा कुछ, 18 क्या, हम शायद 50-60 भी हो जाए तो बुरा लगेगा ही, लेकिन वो तो इतने छोटे बच्चों पर बीत रही थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की छोटे बचपन की स्टोरी, जब वो छोटे थे स्कूल में जा रहे थे फर्स्ट टाइम।
उनको ऐसा बोला गया कि चले जाए यहाँ से, और उनको बहुत रिस्पेक्टफुली भगाया, उनके पूरे आंखों में आंसू भर गया। एंड देन उनकी बहन ने उनके बाल घर पे काटे, मतलब कोई उनके बाल भी नहीं काटता था। ओके और आप लोगों को पता है दिस इज़ द मोस्ट लाइक टेरिबल थिंग कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 14 भाई बहन थे, ठीक है, 14 भाई बहन थे, उसमें से 8 भाई बहन की डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई थी पता है आप लोगों को? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे और उनको कोई छूता नहीं था, और उनके जो 8 भाई बहन थे वो बीमार थे, उनको डॉक्टर ने नहीं छुआ और वो लोग की डेथ हो गई। यस गाइस दिस इज ट्रू, समझ रहे हो? मतलब एक नहीं दो नहीं 8 भाई बहनों को, अब हमारे घर में हमारे साथ रहने वाले उन्होंने अपने 8 भाई बहनों को खोया था, ठीक है। देन उन्होंने इतनी सारी अच्छी चीज़ें की, देखो इतना कुछ सेक्रीफाइसेस किया उन्होंने, स्कूल में उनको इतना डिसरिस्पेक्ट किया जाता था लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी, और उन्होंने देखो आज उनका नाम है, ऐसे ही नहीं नाम है उनका, उन्होंने किया ही अर्न इट। ओके चलो ठीक है, अभी ज़्यादा हम लोग सीरियस हो गए, अभी हम लोग दूसरे, इट्स अ थिंग टू बी सीरियस अबाउट। ओके लेकिन हम लोग पढ़ते अभी क्या नेक्स्ट है, रामास्वामी नायकर। ओके सर, रामास्वामी नायकर ही वॉज बॉर्न इन इरोड अ सिटी इन तमिलनाडु इन 1879। तो रामास्वामी नायकर का बर्थ कहाँ पर हुआ था? इरोड में। इरोड एक सिटी है तमिलनाडु में, और कब हुआ था इनका बर्थ? 1879 में। ओके सो ही बिगेन हिज वर्क इन 1920 एज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस। उन्होंने अपना काम, इनकी जो भी हिस्ट्री थी, इनका जो भी वर्क था, ये कहाँ से शुरू हुआ था? 1920 से। और इन्होंने एज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस ये सारी चीज़ें शुरू की थी। ओके ही बिकम अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधीज फिलोसॉफी एंड वर्क फॉर प्रोपोगेटिंग द यूज ऑफ स्वदेशी एंड फॉर द राइट ऑफ टेम्पल एंट्री टू ऑल। देखो ये महात्मा गांधी जी के फॉलोअर थे, महात्मा गांधी जी की जो भी फिलोसॉफी थी, देखो जैसे कि उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, अहिंसा से लड़ेंगे, अहिंसा से इविल प्रैक्टिस से फाइट करेंगे, और स्वदेशी, स्वदेशी यानी कि बॉयकॉट फॉरेन गुड। ओके सो देखो ये भी इस चीज पे वर्क कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, फॉरेन गुड को बॉयकॉट करना है हमें, और टेंपल में हर कोई एंट्री कर सकता है, हर कोई मतलब औरत आदमी, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट जो भी होता है, हर कोई टेंपल में एंट्री कर सकता है। ओके सो ही पार्टिसिपेटेड इन द वेलकम सत्याग्रह इन ट्रैकमोनकोर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो इन्होंने सत्याग्रह में एक पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम क्या था? वेलकम सत्याग्रह। और ये किस चीज के अगेंस्ट था? अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत जो मानते हैं इसके अगेंस्ट था कि कोई भी छुआछूत ये नहीं मानेगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी को यही समझाने की कोशिश करते, देखो आप लोग सोचोगे कि हर कोई यही समझाने की कोशिश करे, लेकिन गाइस अभी भी देखो कुछ लोग हैं, देखो हम मुंबई में रहते हैं, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत सी फैमिलीज हैं जो ये चीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है, कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी हो, लेकिन उन लोगों का अंदर से रहता ही ऐसा कि ये हमसे ऊपर है, ये हमसे नीचे। तो जब आज इतने सालों के बाद भी ये चीज़ एग्जिस्ट है, तो उस टाइम पे तो कितने लोगों के दिमाग में भरी होगी, तो सबको मिलकर आना पड़ रहा था, साथ सबको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ रहा था कि क्या करें, सबका एक ही था कि सबको इक्वलिटी मिले। ओके सो He fought against the Varna system and child marriage. देखो इन्होंने Varna system के against भी fight किया। Varna system क्या होता है कि caste पे based profession, ठीक है, अगर कोई ब्राह्मण है तो वो क्या बनेगा? priest बन सकता है, वो teacher बन सकता है, लेकिन एक शूद्र क्या बन सकता है? वो labor ही बन सकता है, वो उसके आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जो भी सारे जो profession है तो वो किस चीज़ पर बेस? caste पर। तो इसके अगेंस्ट है वो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें जितनी capability है वो अपने हिसाब से वो करेगा। ओके एंड चाइल्ड मैरिज। ओके People began to address him as Periyar, great soul, because of his magnanimous work. तो देखो लोग उनको क्या बुलाते थे? Periyar। Periyar मतलब होता है कि great soul। और ये क्यों बुलाते थे? क्योंकि उनके जो work था वो बहुत ही यू नो generous था, बहुत ही अच्छे कामों की वजह से उनको क्या बुलाने लगे? great soul। okay? He was a great speaker and author. वो बहुत अच्छे speaker and author थे। He took a radical position on the issue like women's right and family planning. तो देखो इन्होंने, स्वामी नायकर ने एक बहुत अच्छी पोजीशन पर लेकर चले गए थे वुमेन्स राइट को, एक बहुत स्टेबल कर दिया था कि हाँ ठीक है अब वुमेन्स को राइट मिल रहा था इनकी स्पीचेस, इनकी वॉक की वजह से, एंड फैमिली प्लानिंग पे भी लोग फोकस करने लगे थे। ओके ओके सो कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी वॉज एन एक्टिव वॉलंटियर ऑफ कांग्रेस, ठीक है, वो कांग्रेस की वॉलंटियर थी। शी कन्विंस महात्मा गांधी टू लेट वुमेन पार्टिसिपेट इन दी सॉल्ट सत्याग्रह। तो देखो सॉल्ट सत्याग्रह हम लोगों ने बचपन से ही बहुत पढ़ा है, तो इसमें पार्टिसिपेट वुमेन्स ने भी किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था, कमला देवी ने ही महात्मा गांधी जी को बोला था कि हमको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का चांस दो। ओके
शी हर्सेल्फ पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह, उन्होंने खुद भी सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। शी वर्क फॉर वुमेन्स राइट थ्रू आउट हर लाइफ, पूरी जिंदगी उन्होंने इस चीज पर ही काम किया कि औरतों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। शी ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन टू ड्रॉ अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स एंड फार्मर्स। देखो डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, एक पब्लिक को गैदर किया था ताकि वो बता सके कि फार्मर्स को और वर्कर्स को जो भी प्रॉब्लम है उन पे उनका कुछ सोल्यूशन निकाले। ओके, शी एम्फेसिस ऑन जस्टिस टू फीमेल एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो देखो उन्होंने इस चीज पर फोकस किया, एम्फेसिस यानी कि फोकस। तो उनका फोकस ये था कि जो फीमेल एग्रीकल्चरल लेबर्स है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। सिमिलरली शी ऑल्सो इनिशिएटेड दैट वुमेन्स वर्कर इन फैक्ट्री शुड हैव नेसेसरी फैसिलिटीज। औरतों को जो जरूरी फैसिलिटीज है वो उनको एटलीस्ट वो तो दे दो जो नेसेसरी है। ओके, सो शी कंसिस्टेंटली फॉलो अप द इशू ऑफ मैटरनिटी लीव टू वुमेन। देखो उन्होंने इस चीज़ पर यू नो इस पर वो फोकस कर ही रहे थे, उनका कभी इस चीज़ से ध्यान नहीं होता कि औरतों को क्या मिलना चाहिए, कि मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए। ठीक है, मैटरनिटी लीव देखो जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको 6 मंथ के बाद से मैटरनिटी लीव मिल जाती है। ठीक है, तो कोई कोई फैक्ट्रीज होती है जो नहीं देती है, उससे निकाल देती है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब तो देखो पैटर्निटी लीव भी मिलती है। ठीक है, मतलब कि फादर को भी लीव मिलेगी ताकि वो क्या करे, अपने वाइफ का अपने घर पे ध्यान रख सके। ओके, बच्चा तो दोनों का है, राइट। इसीलिए सो शी वॉज इम्प्रेजेंट फॉर 1 ईयर बाय द ब्रिटिश फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो देखो ब्रिटिशर्स ने उनको 1 ईयर के लिए कैद कर लिया था, उनको जेल में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट में। ओके, सो चलो अभी हमारा 5.4 तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे 5.5 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, महाराजा सयाजीराव ऑफ बड़ौदा स्टेट हेड अडॉप्टेड प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। देखो इन्होंने भी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज यानी कि ये भी क्या कर रहे थे, सोशल रिफॉर्मर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ये भी चाहते थे कि सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म होना चाहिए। ही मेड प्रोविजन ऑफ फ्री स्कूलिंग। देखो इन्होंने सबको क्या दिया था, जो भी अनटचेबल ट्राइबल कम्युनिटी से थे उनको फ्री स्कूलिंग दी थी। ओके, अनटचेबल ट्राइबल क्लास से जो भी लोग बिलोंग करते थे उनके लिए स्कूल क्या था, फ्री था, हॉस्टल्स भी फ्री था स्टूडेंट्स के लिए। ही वॉज ऑल्सो इंकरेज वुमेन्स एजुकेशन एंड ऑल्सो ओपन अ सेंटर फॉर फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ वुमेन। वेरी गुड, या वेरी नाइस। सो इन्होंने वुमेन्स को एजुकेशन को भी क्या किया था, सपोर्ट किया था कि औरतें भी पढ़ना ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि इन्होंने क्या किया था, फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ स्कूल खोली थी किसके लिए, वुमेन्स के लिए भी। ओके, ही स्टार्ट वेरियस सोशल प्रोग्राम सच एज कम्युनिटी फीस्ट फॉर ऑल कास्ट। देखो इन्होंने ये चीज शुरू की थी कि क्या होना चाहिए, भोजन जो होता है ना, ठीक है, तो वो सबके लिए एक साथ वो अरेंज करते थे। जैसे देखो गुरुद्वारा में होता है, देखो पंजाबीज में हम लोग देखते हैं वो लोग सब गुरुद्वारा के आगे सबको खाना खिलाते, वो किसी भी कास्ट को किसी भी जेंडर को नहीं देखते बल्कि जो भी भूखा था उसे खाना खिलाते। तो इन्होंने वो भी शुरू किया था। ओके, उसी तरह का शुरू किया था। ओके, ग्राम पंचायत इन एवरी विलेज, हर विलेज में क्या होगा, ग्राम पंचायत हो गया, लिटरेट ग्राम पंचायत मेंबर। वेरी गुड। देखो हमारे अभी भी हमारे यहाँ पे कहाँ कोई पॉलिटिकल में जो पॉलिटिक्स में जो भी वो भी एजुकेटेड नहीं, लेकिन इन्होंने बोला था कि जो ग्राम पंचायत भी बनेगा उसका मेंबर भी कौन होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए। वेरी नाइस। ओके, लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, कंपल्सरी फिजिकल ट्रेनिंग फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, विडो री मैरिज एटसेट्रा। ओके, ही ऑल्सो प्रोवाइडेड कोर्स बेस्ड ऑन एग्रो इंडस्ट्रीज फॉर स्टूडेंट फ्रॉम फार्मर फैमिलीज। तो देखो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट कैसे करें, टेक्नोलॉजीज यूज करके एग्रीकल्चर को डेवलप कैसे करें, इस चीज पर भी उन्होंने जो फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करते थे बच्चे उनको ट्रेनिंग दी। ओके, ही पास द रिजोल्यूशन फॉर अश्योरिंग अ शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू मैरिड एज वेल एज विडो वुमन। ही पास द रिजोल्यूशन फॉर अश्योरिंग अ शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू मैरिड एज वेल एज विडो वुमन। तो देखो ही पास द रिजोल्यूशन फॉर अशरिंग अ शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू मैरिड एज वेल एज विडो वुमन। देखो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये रिजोल्यूशन पास किया था, इन्होंने ये लॉ पास किया था कि शादी एक बार हो गई उसके बाद उसका हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है, वो विडो भी हो जाती है, लेकिन वो मैरिड तो थी और जो मैरिड वुमेन है उसका भी डाइवोर्स हो जा रहा है या फिर वो मैरिड है तो भी क्या होगा, उसको प्रॉपर्टी शेयर करना पड़ेगा, उसके हस्बैंड का प्रॉपर्टी उसका भी और उसको भी कुछ पर्सेंट उसमें से मिलेगा। ओके चलो ठीक है। राजश्री शाहू महाराज, द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कोल्हापुर, राजश्री शाहू महाराज सपोर्टेड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लीडरशिप। तो देखो राजश्री शाहू महाराज कौन थे, कोल्हापुर के रूलर थे। ओके, और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सपोर्ट किया था, उनके जो भी काम थे उस पर ये बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करते और उनके साथ थे ये। वाइल लीडिंग द
नॉन ब्राह्मिटिकल मूवमेंट इन हिज स्टेट। देखो नॉन ब्राह्मिटिकल मूवमेंट क्या था कि मतलब ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए, ये लोअर कास्ट अपर कास्ट ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब खत्म होनी चाहिए, सबको एक नजर से देखा जाना चाहिए। ओके ही मेड द पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्वेशन एंड पास अ रिजोल्यूशन फॉर फ्री कंपलसरी एजुकेशन। ओके तो देखो उन्होंने ये रिजोल्यूशन पास किया था कि रिजर्वेशन होगा, ठीक है, कुछ जो सीट्स होगी वो रिजर्व होगी दलित्स के लिए, और प्राइमरी एजुकेशन हर किसी को लेना ही लेना है। देखो जब एजुकेशन है ना तो हमारी सोसाइटी में, अगर एजुकेशन है तो हमारी सोसाइटी पावरफुल है। ओके तो यही सब सोचकर इन्होंने क्या कर दिया था कि प्राइमरी एजुकेशन क्या है, कंपलसरी है। ओके ही ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्गली अपोज द कस्टम ऑफ रोटी बंदी। देखो रोटी बंदी क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ईटिंग टुगेदर। देखो ऐसा होता है कि खाना शेयर नहीं करते। देखो मैंने आप लोगों को बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ क्या हुआ था कि वो पानी पी लिया था उन्होंने तो उनको मारा गया था, तो खाना खाना तो बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं था साथ में। तो इन्होंने इसको बहुत स्ट्रांगली अपोज किया और क्या बोला कि जिसको जैसे खाना है वो खा सकता है और खाना शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। सो रोटी बंदी, बेटी बंदी, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर कास्ट मैरिज, ठीक है, एंड व्यवसाय बंदी, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिसिंग ऑक्यूपेशन रेदर देन द एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन ऑफ वन्स लाइफ। तो देखो जिसको जो प्रैक्टिस फॉलो करना है, जिस रिलीजन को फॉलो करना है, जो कल्चर फॉलो करना है, वो कर सकता है। उसके देखो जो उसका ऐसा कुछ नहीं कि जो उसका कास्ट है उसको वो ही करना है, उसके खुद के कास्ट के बाहर वो नहीं जा सकता है। उसे किसी दूसरे रिलीजन की या किसी दूसरे कास्ट की प्रैक्टिस अच्छी लगी है तो वो कर सकता है, ठीक है, उसको अधिकार है। जिसको जैसे रहना है, जिसको जो पसंद है उसको उस तरह से रहने दो। ओके ही मेड अ लॉ फॉर इंटर कास्ट मैरिज, पीपल इन हिज स्टेट वर परमिटेड टू चूज एनी ऑक्यूपेशन। तो मैंने बताया था कि क्या होता है, ब्राह्मण का बेटा क्या बन सकता है, प्रीस्ट बन सकता है, टीचर बन सकता है, लेकिन शूद्र का बेटा टीचर नहीं बन सकता, वो क्या बन सकता है, बस लेबर ही बन सकता है। ये होता है वर्णा सिस्टम। तो इन्होंने इसको भी अपोज किया था और क्या बोला था, जिसको जो ऑक्यूपेशन चूज करना है, जिसका जो पैशन है उस तरफ जाए, जिसको जो काम जानता है वो करेगा। ओके ऑल दिस सोशल रिफॉर्मर क्रिएटेड अ पॉजिटिव पिक्चर ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। देखो जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर ये सारे नहीं होते तो हमारा सोसाइटी तो आज भी उधर ही होता, हम लोग यही कर रहे होते। मैं लड़की हूँ, मैं आज पढ़ी लिखी नहीं होती, अभी जो लड़कियाँ वीडियो देख रही हैं हम लोगों की अब तक शादी हो गई होती, ये सारी चीज़ें होती अगर ये लोग नहीं होते। वी शुड बी थैंकफुल टू देम। ओके ऐसे बोर हो गए मत तोड़ के, यार इतना पक रहा है, नहीं कितना कुछ किया है उन्होंने। ओके सो इन लोगों ने क्या किया था, एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर बना दिया था, हमारे फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो गया था इन लोगों की वजह से। इट वॉज नेसेसरी टू बिल्ड अ सोसाइटी विद फॉर्म इंटेलेक्ट एंड रैशनल बेस फॉर ऑप्टेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। तो देखो ये बहुत जरूरी था कि इंडिया एक ऐसा सोसाइटी बन जाए, इंडिया एक ऐसा देश बन जाए जहाँ पर लोग रैशनल हो, थोड़ा उनके पास दिमाग हो, बल्कि वो कुछ भी इनलॉजिकल चीज़ें फॉलो ना करते हो। ऐसा अगर होगा, वो कुछ भी फॉलो करेंगे तो क्या वो ब्रिटिश से कभी लड़ पाते, उनको इतना नॉलेज ही नहीं होता कि ये गलत हो रहा, वो बस बन उनके स्लेव्स बन के ही रह जाते, क्योंकि वो आपस में ही लड़ रहे हैं ना कि ये ब्राह्मण है मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं, मतलब ब्राह्मण नहीं दलित है ये, मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, आपस में लड़ कर झगड़ कर सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन इन लोगों की वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर बन गया था और आज हम लोग फ्रीडम हम लोगों को मिल गई, आज हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडियंस। ओके तो देखो इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को वो चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, अभी आप लोगों ने इतना पढ़ लिया चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग 5 चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं अगर आप लोगों ने ये वीडियो अब तक देख लिया तो। एंड गाइज मैंने ऑल चैप्टर्स का सॉल्व एक्सरसाइज अपलोड कर दिया है, आप लोग उससे देख सकते हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।